वो कश्मीर जहां सपने परवान चढ़ते थे, पानी के कलकल में जवानी पंगड़ाइयां लेती थी, पर आज वो खूबसूरत तस्वीर बदरंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के युवा नशे की गिरफ्त में। कश्मीर में पहले कोकीन, हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशे कभी नहीं मिलते थे, लेकिन पिछले दो सालों में आम हो चुकी है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अब मजहबी संगठनों और मौलानाओं ने मस्जिदों तथा दरगाहों से आवाज बुलंद की है। श्रीनगर के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवा रहे इस युवा को देखिए। इसका सपना था LLB करके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, लेकिन नशे की लत ने इसकी जिंदगी बेकार करके रख दी। कई हफ्तों से नशा मुक्ति केंद्र में नशे से छुटकारा पाने के लिए ये इलाज करवा रहा है। इस युवा ने हिम्मत कर हमसे बात की और अपनी हैरान करने वाली दास्तां सुनाई। थे मेरे गोल्स थे कि मैं BA LLB करूंगा, मतलब BCOM करके मेरा था कि मैं BA LLB करूंगा। BA LLB करके मेरी फर्म चल रही है, हमारी अपनी फैमिली फर्म चल रही है एडवोकेसी की। तो मैंने सोचा था मैं उसको आगे ले, जो वो कि दूसरों के हाथों में पड़ेगा वो मैं ही आगे ले लूँगा, मेरा वो ड्रीम था। और यहाँ नहीं, हमारे चैम्बर्स यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, बाहर भी है, कोलकाता में भी है, मतलब हर जगह हमारे चैम्बर्स है इंडिया में। उसको बोलना कि मतलब अपने फ्रेंड को बोलना मुझे बचाओ, इससे इज नॉट द वे। वे है आप अपने घर वालों को बोलो, वो आपके मतलब सच्चे है, वो आपको लेके आएंगे। मैंने आपको कहा यहाँ पे एक मतलब डॉक्टर्स ने मुझे एक अपने अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट किया, ट्रीटमेंट हो गया अच्छे से, और ट्रीटमेंट के बाद इंशाल्लाह आगे नॉर्मल लाइफ है। इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तब है जब आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि मुझे बचाओ। हमने जब इससे ड्रग्स के सोर्स के बारे में पूछा तो इसने बताया कि कुपवाड़ा और जम्मू के रास्ते ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से श्रीनगर पहुंचाया जाता है। इसने ये भी बताया कि कश्मीर के हर हिस्से में आसानी से ड्रग्स मिल रहा है, हर जगह अवेलेबल है, हर गली में अवेलेबल है, हर कश्मीर के हर एक सेक्टर में अवेलेबल है, हर एक कॉलोनी में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कोई पॉश कॉलोनी है, मैं पॉश कॉलोनी में फिर एक सबसे रहता हूँ, बट वहाँ भी है, अमीर से अमीर लड़का भी भेज रहा है। ये नहीं है कि कोई पुअर है, कोई गरीब है तो गरीब भेज रहा है अपने इनकम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ देखिए क्या है, मेन चीज़ इसमें ये है कि करने वाले को एक महीने के बाद ही समझ आता है, भाई अगर मैं ये नशा कर रहा हूँ तो मुझे ये करना भी है, मुझे ये भेजना भी है, क्योंकि जब वो भेजेगा वो तभी अपना कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में 12 साल से लेकर 25 साल के युवा ड्रग्स के नशे में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब धार्मिक संगठनों से अपील कर रही है कि जुम्मे की नमाज पर मौलानाओं को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दे। वक्फ बोर्ड की अपील के बाद मस्जिदों ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की एक मस्जिद में युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए इस मुद्दे पर रोशनी डाली गई और इस बात से युवाओं को वाकिफ कराया गया कि इस्लाम में हर तरह का नशा हराम है। ये अफसोस से कहना पड़ता है इस मिंबर आलिया पर, जहां दावे के हक दी जाती है और दावे के हक के बाद हमारे मुसलमानों में आम फाहिशात, मंशियात, ड्रग्स, चर्स का इस्तेमाल होगा। तुम कुछ बुथावन वो कयामत के दिन अल्लाह के सामने और हुजूर के सामने किस मुंह से जाए। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि कश्मीर में दो सालों से ड्रग्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कश्मीर में 10 साल से लेकर 25 और 50 साल तक के लोगों के ड्रग्स लेने वाले मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, बदकिस्मती से जो एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन या मंशियात जो प्रॉब्लम है कश्मीर में, हकीकतन ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है अभी कुछ सालों से। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट करें, और वो भी बच्चों में ज़्यादा, स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में इस रिलेटेड अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी करनी है हमें। कश्मीर के युवाओं में तेज़ी से बढ़ रहे नशे के जहर से अब तक हज़ारों युवाओं की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। इसका कारण है आसानी से पैसा और ड्रग्स का मिलना, जिसके कारण कश्मीर के हर हिस्से में नशे की ये लत हज़ारों नौजवान घूंट घूंट कर पी रहे हैं। लेकिन अब मजहबी संगठनों के नेताओं, उलमाओं, मौलानाओं ने एकजुट होकर इस नशे से युवाओं को दूर रखने की आवाज़ बुलंद की है।